HP LaserJet Pro MFP226DN, DN का मतलब होता है डुप्लेक्स नेटवर्क, ओके। और इसके साथ ही हम ऑन करते हैं, यहाँ पे इंजन रोटेट नहीं करता क्योंकि इनिशियलाइज नहीं हो रहा है, और ये दो एरर की लाइट इंडिकेट करते रहता है जिसके वजह से ये पिंटन इनिशियलाइज नहीं होता है, और उसके बाद ये ब्लिंक करने लगता है डिस्प्ले। अभी आप देखना, लाइट बंद होने के बाद डिस्प्ले ब्लिंक करने लगेगा। तो किस चीज़ का फॉल्ट होता है अंत तक देखिए, हम भी सोल्यूशन आपको बताएंगे, इसे ठीक भी करेंगे। ऐसे करने लगेगा और ब्लिंक करता रहेगा, देखिए। ठीक है, चलिए जानते हैं, देखते हैं। तो ये हमारा दो चीज़ों से इशू आ सकता है, पावर सप्लाई और दूसरा लॉजिक कार्ड। चलिए इसको देखते हैं, बदल के देखिए, दोबारा ऑन किया चल जाएगा। चलिए लाइव खोल के देखते हैं डेमो में हमारा क्या इशू है, और इसको ठीक करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक है, तो बंद करते हैं प्रिंटर को, खोलो ज़्यादा सलमान खान। ठीक है, तो इधर से देखिए, ये यहाँ पे एक पेज होता है, हम खोलेंगे सबसे पहले लॉजिक कार्ड का हिस्सा इधर ही होगा, और निकालेंगे और चेक करेंगे। ओके, यहाँ पे केयरफुली खोलना है जिससे वैसे ये नहीं टूट ना जाए। तो ये गिर चुका, तो ठीक है। और यहाँ पे फैक्स कार्ड से रिलेटेड भी इशू आता है, अगर फैक्स कार्ड में कार्बन वगैरह है, तो ये वाला इस कार्ड से भी। ठीक है, तो ऑन करके देखेंगे, और इधर से हम कैपेसिटर को वेरीफाई कर लेंगे, फ़िल्टर कैपेसिटर कैसा है। तो फ़िल्टर कैपेसिटर फिजिकल वेरीफिकेशन चेक करेंगे, इसका फिजिकल कंडीशन क्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये पीसीबी को निकालना होगा सामने वाला, या तो हम साइड से भी देख सकते हैं, इधर से भी। सप्लाई वेरिफिकेशन के बाद हम क्या करेंगे, इसको ठीक करेंगे। छोड़ दो, छोड़ दो, एक मिनट एक मिनट, इसको टाइट कर लो, वापस लगा दो। ठीक है, दोबारा हम पावर देके चेक करते हैं, फैक्स कार्ड रिमूव करने के बाद क्या एक्टिविटी दिखा रहा है। लॉजिक पावर सप्लाई तो हमारा ऑलमोस्ट ठीक है, लॉजिक कार्ड की प्रॉब्लम को हम देखेंगे, ये चिप ओवरहीट ना हो रहा हो। ऑन करना, देखिए इनमें से और इन दोनों में से कोई ओवरहीट ना हो, अगर ओवरहीट होता है तो हमारा ये शॉर्ट होता है लॉजिक कार्ड। तो देखिए यहाँ पे अभी इनिशियलाइज हो रहा है, इंजन रोटेट किया था। अगर आपको चेक करना है आपका प्रिंटर कैसा है, स्कैनर वगैरह ठीक है, तो इन स्कैनर टेस्ट ले लेंगे हम। इसके लिए हम 5 बार कवर को ओपन करके बंद करेंगे और एक पेज लगाएंगे। ठीक है, तो इंजन रोटेट करेगा, हम पेज इंसर्ट करेंगे, प्रिंट आएगा। देखिए यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, तो ये हमारा लॉजिक कार्ड की समस्या है। पावर सप्लाई ठीक है, ये लोड भी ले रहा है प्रॉपर, ये प्रिंट भी होके लाइन लाइन करके आ जाएगा, ये डुप्लेक्स भी प्रिंट कर रहा है। और डुप्लेक्स में हमारा पेपर जैम हो गया, वो अलग मैटर है, वो हम देखेंगे, लेकिन ये प्रिंट कर देगा लाइन लाइन। ये देखिए रूटेड आके डुप्लेक्स यूनिट में जाम हो गया, तो लाइन लाइन प्रिंट कर दिया, इंजन टेस्ट दे दिया, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ये देखिए इंजन टेस्ट दे दिया, तो बिल्कुल ओके। और ये देखिए इधर से उधर से लाइट ज़्यादा आ रही थी इस लाइट का, तो इस वजह से दिख नहीं रहा था। तो ये वाला हमारा देखिए इस तरह से प्रिंट कर दिया, तो बिल्कुल ठीक है। ये हमारा लॉजिक कार्ड की समस्या है, तो लॉजिक कार्ड सलमान उधर से खोल के लाओ, फिर हम इसके लाइव बदलेंगे और दिखाएंगे चालू हो जाएगा। ठीक है, तो वेट कीजिए टिल हम सप्लाई लॉजिक कार्ड को चेंज करते हैं, हमारा समस्या सॉल्व हो जाएगा, प्रिंटर चालू हो जाएगी। ये होता है लॉजिक कार्ड।
लॉजिक कार्ड से पहले पूर्व हम क्या करेंगे, इस केबल को रस्ट को हम क्लीन करेंगे। जो हमारी रस्ट मॉइस्चर दिख रही है ये देखिए, इनको क्लीन करके फिर लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से अच्छे से केबल को क्लीन करना है और उसके बाद से हम लगाना है हमें। तो ये सीजर से हम क्लीन करेंगे, इसमें इरेजर वगैरह का यूज नहीं करते हुए। और इधर से भी ये देखिए, जब इसमें चमक आ जाए, क्लीन हो जाए, आपको दिखने लगे, फिर उसके बाद से ये जो हमारी केबल है इसमें ख़राब हो चुकी है केबल, तो एक बार दिखाते हैं एक बार ऐसे। ये लो, तो बिफोर कार्ड चेंज करने से पहले हमने कार्ड यहाँ पे ले लिया नया सेम कार्ड, बट यहाँ पे क्या होगा कि हम उसके पहले ये केबल हमारा इशू लग रहा है कंट्रोल पैनल की, एक ट्रैक कटी हुई यहाँ पे देखिए, पास से दिखाओ जरा, यहाँ पे देखिए एक ट्रैक नहीं है यहाँ पे, तो इसके वजह से भी इशू आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस केबल को हम यहाँ से कट कर लेंगे। सबसे पहले केबल को यहाँ से कट करेंगे ये देखिए, उसके बाद हम केबल को बना लेंगे इसी की उपयोग करते हुए। इस तरह से आप बना सकते हैं केबल, ओके। केबल बनाने के बाद ये सब ट्रिक आप उपयोग करिए और इजीली आप विदाउट केबल रिप्लेस किए ठीक कर लोगे। ठीक है, ये देखिए केबल हमारा बन चुका है सक्सेसफुली। अब इसमें हम चलते हैं लगा के देखते हैं कि हमारा यही लॉजिक कार्ड चलता है कि नहीं, गेट को बंद। ओके, तो ध्यान से इसको हम लगाएंगे और ये फैक्स केबल का भी क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक फैक्स कार्ड सिंक नहीं होता तक प्रॉपर ये हमारा प्रिंटर इनिशियलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया, आप देखते हैं लाइव ऑन करके। ये हमारा प्रिंटर है और ऑन करेंगे, देखिए ऑन किया, लाइट आया। ठीक है, आगे बढ़ रहा है, देखते हैं क्या स्टेटस है इसका। अगर आपका इंजन मूवमेंट नहीं कर रहा है, ऐसे लाइट आ रहा है, तो कई बार पावर सप्लाई से भी इशू आता है। ठीक है, स्टक हो जाता है तो, और कुछ एरर देता है स्कैनर एरर, इशू इंजन मूवमेंट नहीं करता है, तो हमने इशू रिप्लेस कर दिया सब कुछ। तो उस केस में देखिए प्रिंटर हमारा इनिशियलाइज हो चुका विदाउट लॉजिक कार्ड चेंज किए। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं फैक्स हार्डवेयर इज अदर मिसिंग। तो फैक्स कार्ड का मिसिंग दिखा रहा है, कोई बात नहीं, स्कैनर तेरा दिखा रहा है, तो क्योंकि हमने केबल अनप्लग कर रखा था। यहाँ बंद करेंगे एक बार, प्रिंटर हमारा इनिशियलाइज हो चुका है दोस्तों। उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे केबल लगा लेंगे। ये देखिए स्कैनर का केबल लगा, ओके, और यहाँ पे हमारा सब कुछ ओके हो चुका। दोबारा से प्रिंटर ऑन करेंगे, ओके, और यहाँ से देखिए विदाउट कार्ड चेंज किए हमारा प्रिंटर इनिशियलाइज हो जाएगा। तो इस केस में हमारा लॉजिक कार्ड ख़राब नहीं था, आप लोग देख सकते थे। ठीक है, तो इस तरह हमारा कॉस्टिंग बच चुका। तो हमारा जो कार्ड रिप्लेसमेंट की कॉस्ट थी वो लगभग 5-6 हज़ार, 10 लगभग 5-6 हज़ार रुपये का कार्ड, 4 हज़ार रुपये का लगभग 5 हज़ार का कार्ड आता आसपास। तो इतना हमने कॉस्ट बचा लिया और प्रिंटर भी आसानी से रिपेयर कर लिया। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे हम वीडियो बनाते रहते हैं, जो सॉल्यूशन होता है वो भी हम इसमें दिखाते हैं। ठीक है, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए TRC टेक के नाम से, और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे ऑल्सो सर्च कर सकते हैं हमारा एक और अनिल टेक ब्लॉग, उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर जाके। लेकिन प्रिंटर इनिशियलाइज हो चुका है।
और रेडी प्रिंट लेके देखेंगे और सिस्टम में भी डिटेक्शन आ जाएगा हमारा यूएसबी केबल लगाने का, सिस्टम से भी दे देंगे ठीक है। तो देखिए इनिशियलाइज हो रहा है और कोई एरर नहीं आएगा हमारे पास ठीक है। ये देखिए फैक्स कार्ड का एरर दे रहा है, कोई बात नहीं हम फैक्स कार्ड छोड़ देंगे ठीक है, रेडी हो जाएगा देखिए ठीक है। सिस्टम में भी हमारा फाउंड हो चुका है, हम टेस्ट पे निकाल लेंगे यहाँ से जाके और रिपोर्ट पे जाके देखिए डेमो पेज निकाल लूँ, ये टेस्ट पेज आ जाएगा ठीक है। शायद हमारा वो फैक्स कार्ड फेलियर होने की वजह से टाइम ले रहा, देखिए प्रिंटिंग आ चुका और ये देखिए डेमो पेज हमारा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये देखिए हमारा यहाँ पर डिटेक्शन भी आ चुका है अनस्पेसिफाइड में और इस तरह से हमने प्रिंटर को फिक्स भी कर लिया। यहाँ से अनप्लग करूँगा वहाँ से हट जाएगा, देखिए हट गया ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।